हेलो दोस्तों, बात करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन एलेक्स हेल्स की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने इंटरनेशनल की सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और वो अभी फ्रेंचाइज लीग में हिस्सा लेंगे, सिर्फ फ्रेंचाइज में ही खेलेंगे। और उधर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने युजवेंद्र चहल को बार बार डिस्टर्ब किया, पहले तो बॉलिंग में, फिर जब बल्लेबाजी करने के तो वापस उनको बुला लिया, लेकिन अंपायर की वजह से उनको फिर से खेलना पड़ा। और उधर टीम इंडिया का जो आयरलैंड के खिलाफ मैच होने वाला है, उसमें आयरलैंड टीम के कप्तान की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग को जो जिम्मेवारी सौंप दी गई है, पॉल स्टर्लिंग को आयरलैंड का कप्तान बना दिया गया है। दोस्तों बात करें जो भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर थे मनोज तिवारी, उन्होंने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। और उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साथ ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आईसीसी को रिटर्न में ये लिखकर भेजा है कि हमें जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत जाने वाली, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए, भारत आने में कोई खतरा महसूस ना हो। ये था गाइस रिपोर्ट और न्यूज़ लेट। कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।